Do you know that 2 to 3% of Indian population is affected by OCD? So what is OCD? Obsessive compulsive disorder. तो आइए OCD क्या है उसे समझते हैं। उसे समझने के लिए हम इसको 3 parts में समझेंगे, obsession, compulsion and disorders. Obsessions क्या होते हैं? कोई भी विचार या चित्र जो मन में बार बार आए, इसको और समझने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। कोई भी विचार या चित्र जो मन में बार बार आए, हमें पता है कि वो विचार हमारा खुद का है और किसी बाहर की एजेंसी या किसी और इंसान ने हमारे दिमाग में नहीं वो विचार डाला है। तीसरा कि वो हमें पता है कि वो विचार बेकार है और डिस्ट्रेसिंग है और काफ़ी शर्मनाक है। उदाहरण जैसे हमें गंदगी से संबंधित कुछ विचार आ रहे हैं, हमें डाउट हो रहा है कि हमने डोर लॉक किया या नहीं किया, या फिर भाई बहन या भगवान के प्रति शर्मनाक विचार आना और बार बार आना। OCD का 2nd part है कंपल्शंस। कंपल्शंस क्या होते हैं? हमारे मन में जो भी विचार आते हैं और बार बार आते हैं, उनको ख़त्म करना या कम करने के लिए हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उनको हम कंपल्शंस बोलते हैं। इसका उदाहरण कि हमारे मन में गंदगी के से संबंधित ऑब्सेशंस आते हैं तो इसकी कंपल्शन होती है कि हम ज़्यादा सफाई कर रहे हैं, या फिर हमारे मन में भाई बहन या भगवान के प्रति कोई शर्मनाक विचार बार बार आ रहे हैं और उसको हम कम या ख़त्म करने के लिए 3 बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोल रहे हैं ताकि वो ऑब्सेशंस कम हो जाए। तो ये हमारे कंपल्शंस हैं। इसका 3rd part है डिसऑर्डर। हम इसको डिसऑर्डर तब बोलेंगे जब वो हमारी डेली एक्टिविटी को हैम्पर करने लगे। डिसऑर्डर क्या होता है उसको समझने के लिए हम पहले उसके सिम्टम्स को समझेंगे। उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? या तो हमें एंग्जाइटी हो सकती है, और अगर एंग्जाइटी पे ध्यान ना दिया गया तो उससे हमें डिप्रेशन भी हो सकती है। दूसरा इसका पार्ट है टाइम ड्यूरेशन। हमें कब मानेंगे कि ये एक डिसऑर्डर है, क्योंकि हमें आम जिंदगी में भी ऐसे विचार आते हैं, तो क्या हम इसे अब एक OCD डिसऑर्डर मानेंगे? नहीं, हम इसको डिसऑर्डर तब बोलेंगे जब तक ये हमें पिछले 2 हफ्ते से लगातार अधिकतर समय के लिए परेशान कर रहा हो। और इसका 3rd part है डिस्ट्रेस। जब ये हमारी इंटरपर्सनल लाइफ को अफेक्ट करे, डिस्ट्रेस क्रिएट करे, तो हम इसको सिम्टम्स, टाइम ड्यूरेशन और डिस्ट्रेस को ऐड करके इसको डिसऑर्डर कहेंगे। इसका उदाहरण है कि हम सुबह कॉलेज जाने से पहले अपने पूरे घर की सफाई करते हैं और इतना लेट हो जाते हैं कि हम लगातार 2 हफ्ते से टाइम पे पहुंच ही नहीं पा रहे, या फिर भाई बहन या भगवान के प्रति इतने शर्मनाक थॉट्स आ रहे हैं कि हम अब उनको डेली लाइफ में फेस भी नहीं कर सकते, और उस वजह से हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन के भी फीचर्स आ रहे हैं। OCD के इलाज के लिए इसके लक्षण को पहचानना काफ़ी ज़रूरी है। सो इफ़ यू आर हैविंग समवन who are having such symptoms of OCD, do seek help because your mental health matters.